नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। इसमें बात करेंगे हम लोग किस संदर्भ में अभी इस आर्टिकल को लिखा गया है, राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानेंगे, आपकी शासन व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग देखेंगे, डिजिटल नवाचार का केंद्र बन रहा भारत उसे भी देखेंगे किस तरह से बन रहा है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 के लाभ क्या क्या हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा किस तरह मिलेगा इससे उसे भी देखेंगे, अर्थव्यवस्था और डिजिटल में क्या डिजिटल भारत में क्या संबंध है उसे भी देखेंगे, और डिजिटल पारिस्थिति तंत्र के निर्माण में क्या चुनौतियां आ रही हैं उन्हें भी देखेंगे और इसके समाधान की भी बात करेंगे और आगे की क्या राय हो सकती है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात आप लोगों से बस नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ कि डेली आप लोग कॉल करते हैं तब क्या बोलते हैं कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। कई दरिंदों के यार इनके लिए क्या शब्द यूज करें, जितना घटिया से घटिया शब्द यूज करते हो करिए आप अपने हिसाब से। हम हीन भावना से क्या देखने लगते हैं, कोई बीमार है, कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उसे नीची नजरों से मत देखिए। अभी आप भी नहीं बचे हुए हैं, ठीक है, जब आपसे डेली कॉल पर बताया जा रहा है आपको, मतलब सरकार भी एडवाइजरी जारी कर रही है, हर कोई बोल रहा है, तो आप लोगों की फिर भी समझ में दिमाग में नहीं घुसता है। इंसानियत तो निभाते चलिए, वरना तुम जैसे हम जैसे हजार आए और हजार दब गए, खत्म हो चुके हैं, आज तक नाम भी नहीं जानता है कि कोई था। इसलिए इंसानियत निभाइए, हर तम समय बोलता रहता हूं कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ मरते हैं, आज मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इंसानियत निभाते हुए मरूं। हैवान बनने से अच्छा हैवान भरी 100 साल जी लोगे, 200 साल जी लोगे तुम, लेकिन इंसानियत निभाते हुए अगर आज मर जाओ तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भेदभाव मत कीजिए, थोड़ा दुख होता है कि 21 साल 21वीं सदी में जा रहे हो मरने के लिए, फिर भी आपके दिमाग में वही सोच घुसी हुई है पुराने जमाने वाली। कभी अपने आप से टाइम निकाल कर मिल लिया करिएगा कि हो क्या तुम, वो क्या उखाड़ लोगे किसी से, अगर नफरत भी कर रहे हो तो क्या उखाड़ लोगे जिंदगी में, कुछ नहीं। तुम जैसे हजार हो, हम जैसे हजार आए हुए हैं, अगर हम नफरत करते हैं और हजार चले गए, कोई नाम क्या पानी देने वाला भी नहीं मिला है, इस तरह से मौत मिली हुई है। तो नफरत नहीं फैलानी है, बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि कोई गरीब हो फिर चाहे अमीर हो, कोई क्या फर्क पड़ता है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है आपके लिए। चलिए बात करते हैं इस आर्टिकल पर, हर कोई देख रहे हैं समाज से भी, यार उस सोनू सूद को देख लिया करो, तुम्हारी औकात उससे कुछ नहीं है उसके सामने, वो अपना धर्म तो निभा रहा है इंसानियत का। तुम्हारी तो उस नेताओं से बुरी स्थिति हो गई हमारे देश के, कि जो अपने लिए जीते हैं अपने लिए ही मरते हैं, मतलब के लिए, तुम भी उन्हीं तरह मतलब ही हो गए, और तुम जैसे ही लोगों के लिए ये कोरोना वायरस आया हुआ है। अभी ये मत सोचिए कि तुम बच चुके हो, कभी नहीं, आज बच जाओगे कल तुम्हारी बारी होगी, और कितने दिन, 200 साल बच जाओगे, मरोगे कि नहीं मरोगे। सड़ते सड़ते लोगों को देखा है मैंने, जो इंसानियत हैवानियत इंसानियत छोड़ के हैवानियत के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें हमने सड़ते सड़ते देखा है, कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलता है। तो अपनी औकात में रहिए, अपने आप से 2-4 10 मिनट मिलते रहिए कि आप हो क्या, कितने बड़े साना हो, सब धरा का धरा रह जाता है, चाहे समझदारी हो तुम्हारी चाहे औकात कितनी भी बड़ी हो। मैं कल परसों से देख रहा हूं, कई सोशल मीडिया पर भी देखा है मैंने कि साले मतलब उसे कोरोना उल्टे सीधे शब्द यूज कर रहे हैं। तुम्हें तो सालों वो माँ जिसने जन्म दिया हुआ वो भी कोसती होगी अपनी कोख को कि तुम जैसे नालायकों को जन्म देकर, वो क्या बोलूं तुम्हारे बारे में। ठीक है, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का, और किसी को हीन भावना से मत देखिए, मेरा इतना कहना है बस, ठीक है। भारत में न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के विचार को बढ़ावा दे रहा है आपका भारत। इस विचार के विकास में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की
प्रभावी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में कुछ दिन पूर्व ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के लिए रणनीति बनाने पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसे गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 नाम दिया गया। यह राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर केंद्रित है। राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि यह गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 को खुले और सुरक्षित विवरण प्लेटफॉर्मों के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे पारदर्शी शासन तंत्र द्वारा निर्देशित किया जाएगा। यह सामाजिक परिणामों में परिवर्तन करने के लिए नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने में सहायता करेगा। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 के मुख्य घटक देख लेते हैं। कौन कौन से इसमें घटक? पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिससे जैसे आधार और GST नेटवर्क। दूसरा है डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और डोमेन विशिष्ट नीतियों और मानकों के संबंध में बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने के कानून। तीसरा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के को लाभप्रद बनाने ताकि सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। वस्तुतः मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पहलुओं में समन्वय करती है, परंतु डिजिटल नेटवर्क से संबंधित कई अंतर्निहित चुनौतियां हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र या डिजिटल प्रशासन को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति है, जिसका उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाकर सामाजिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ई ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी का एक बेहतर उदाहरण है। इस परियोजना में 2 एप्लीकेशन शामिल है आपकी, वाहन और साथी, जो क्रमशः वाहन पंजीकरण और ड्राइवर लाइसेंस संचालन को स्वचालित करते हैं। इस डिजिटल डेटा की उपलब्धता इस प्लेटफॉर्म को नागरिकों, ऑटोमोबाइल डीलरों, बीमा कंपनियों और सुरक्षा एजेंसियों सहित विभिन्न संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है। यह भुगतान गेटवे और डिजी लॉकर जैसे बाहरी अनुप्रयोगों के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी भी प्रदान करता है। शासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 1.0 आयकर प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने जैसी मैनुअल प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण का योग। फिर आपका गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 2.0 तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करते हुए एंड टू एंड प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करता है, जैसे सरकार ई कॉमर्स, ई ऑफिस, फाइल प्रबंधन प्रणाली। फिर आपका गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है। यह सरकार को डिजिटल कॉमन्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह डिजिटल अवसंरचना बनाकर सरकार को सुविधाओं का आपूर्तिकर्ता बनाने की परिकल्पना करता है, जिस पर इनोवेटर्स जनता की भलाई के लिए सहयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक व निजी भागीदारी के माध्यम से तैयार किया गया आरोग्य सेतु ऐप, जो आपके कोरोना वायरस के से निपटने के लिए बनाया गया आरोग्य सेतु ऐप, ये आपकी गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, बिल्डिंग सिस्टम, इनेबलिंग इकोसिस्टम नोड 3.0 में डिजिटल नवाचार का केंद्र बन रहा है भारत। डिजिटल इंडिया देश में डिजिटल तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक डिजिटल आधारभूत ढांचा खड़ा करते हुए डिजिटल सशक्तिकरण का माध्यम बन रहा है। एक ऐसे विश्व में जहां अब भौगोलिक दूरियां बेहतर भविष्य के निर्माण में बाधा के रूप में नहीं रह गई, भारत हर क्षेत्र में डिजिटल नवाचार का सशक्त केंद्र बन चुका है। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े 1,00,000 से अधिक गांव, 121 करोड़ मोबाइल फोन, लगभग 122 करोड़ आधार और 50 करोड़ इंटरनेट सेवा का उपयोग करने वाले लोगों के साथ भारत अब दुनिया में प्रौद्योगिकी के साथ सहजता से जुड़ी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 के लाभ क्या हैं?
सरकारी सेवाओं का एकीकरण, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 के माध्यम से सभी सेवाओं का एकीकरण कर जनता को ऑनलाइन सेवाओं का मंच उपलब्ध कराया जाएगा। इसे उमंग ऐप के प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। क्या अधिकांश सरकारी सेवाएं व योजनाएं एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ई ट्रांसपोर्ट मिशन मोड परियोजना भी सरकारी सेवाओं के एकीकरण का उदाहरण है। अब देख लीजिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा किस तरह से मिलेगा। इसके माध्यम से सभी लोगों को आसान एवं सिंगल विंडो एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए विभागों और सभी जिला मुख्यालयों का समेकन किया गया है। सभी सरकारी कागजात प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक नागरिक को अनोखी आजीवन और ऑनलाइन और प्रमाणन योग डिजिटल पहचान प्रदान की जाएगी। मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट को आपस में जोड़कर व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समर्थ बनाया जाएगा। शिक्षकों के लिए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दीक्षा शिक्षा सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी प्रकार कृषि के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाना है, जिसे एक अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था और डिजिटल भारत, भारत को $5 ट्रिलियन वाली डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डाटा संरक्षण नीति में बदलाव सहित कई अन्य नीतियां शुरू की जा रही हैं। विमुद्रीकरण के बाद से ही सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में देश में डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस जैसे मिशनों को तेजी से लागू किया जा रहा है। इस लक्ष्य को वित्त वर्ष 2024-25 तक हासिल करने के लिए योजना कार्य योजना बनाई गई। अब बात करते हैं डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में चुनौतियां क्या आ रही हैं, यानी कि समस्याएं क्या आ रही हैं। तो आवश्यक संरचना का अभाव सबसे पहले देखा जा रहा है। एसोचैम और डेलाइट के एक रिपोर्ट के अनुसार नीतियों में अस्पष्टता व ढांचागत कठिनाइयों के चलते महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी परियोजना के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के मामले में अनेक चुनौतियां हैं। इसके अलावा बार बार नेटवर्क कनेक्टिविटी टूट जाना या फिर सर्वर का ठप हो जाना भी कठिनाई पैदा करता है। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल पारिस्थितिकी के विकास के लिए सुदूर गांव में भी पर्याप्त कनेक्टिविटी उपलब्ध कराकर डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की जरूरत है। देश में अभी 50,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके मामले में भी हम लोग देख रहे थे, बिहार राज्य का एक गांव है जहां भी हाल ही में वहां से एक शहीद हुआ है छीन वाले मामले में। और वहां आपने देखा होगा कि तुरंत जो गाड़ियां जब उस शरीर को ले आई, उस शरीर जो शहीद हुआ है, तो उसकी गांव में जाने के लिए, उस व्यक्ति के गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं थी, यानी कि हाल सड़क डलवाई गई, गड्ढे थे उस सड़क में। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब सड़क बनवाई गई हाल में, आप देख रहे होंगे अभी वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं लाइट की व्यवस्था नहीं है उस गांव में। और वहां मैं सुन रहा था कि 60% मतलब उस गांव में जितने व्यक्ति रहते हैं उनमें से 60% घरों में से आपके कोई ना कोई किसी आर्मी में, पुलिस में, मिलिट्री में है, समझ रहे हैं। फिर भी हमारी सरकारें हैं वहां ध्यान नहीं देती हैं, चलिए उनका काम है। साइबर सुरक्षा का मुद्दा, भारत का मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी कानून साइबर अपराधों को रोकने के लिहाज से बहुत प्रभावी नहीं है। एटीएम कार्ड की क्लोनिंग के अलावा बैंक अकाउंट का हैक हो जाना, डेटा और गोपनीय जानकारी हैकर्स तक पहुंच जाने की शिकायतें समय समय पर सामने आती रहती हैं। ऐसे में जब तक साइबर अपराधों को लेकर कानून में कठोर प्रावधान नहीं होंगे, तब तक डिजिटल पारिस्थितिकी को वह रफ्तार नहीं मिल पाएगी जो अपेक्षित है। असमानताओं में वृद्धि, सेवाओं के डिजिटल प्रावधान में सफलता कई अंतर्निहित कारकों पर निर्भर है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और स्थिर और तेज दूर संचार सेवाओं तक पहुंच शामिल है। इन मुद्दों का समाधान किए बिना सेवाओं के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण के परिणाम स्वरूप मौजूदा असमानताओं में वृद्धि हो सकती है। डेटा की सुरक्षा का मुद्दा, यह सवाल बार बार उठता है कि क्या इंटरनेट पर हमारी जानकारी और पहचान सुरक्षित है। देश में मौजूदा कानून के मुताबिक सभी सर्विस प्रोवाइडरों को अपने इंटरनेट और मोबाइल ग्राहकों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
स्वयं को केवल इंटरनेट ग्राहक तक पहुंचाने का हाईवे मानते हैं। उनका कहना है कि इंटरनेट यूजर के मेल या सोशल नेटवर्किंग साइट पर दी जानकारी केवल विदेशी कंपनियों के सर्वर में होती है और भारत में उसे डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाधान क्या हो सकते हैं? डिजिटल पारिस्थितिकी के निर्माण में सुरक्षित डेटाबेस डिजाइन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 को नियंत्रित करने वाले नियम व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम संरक्षण विधेयक 2019 के प्रावधान को ध्यान में रखें। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चला रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य समस्त राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक उपयुक्त परिवारों के व्यक्ति को डिजिटल साक्षर पर 40% ग्रामीण परिवारों को इस योजना से जोड़ना है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को 100 MB/s की स्पीड पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजना है और अनेक आयामों में विशिष्ट है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण युक्त ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। डिजिटल पारिस्थितिकी के निर्माण के लिए सरकार ब्रॉडबैंड हाईवे पब्लिक इंटरनेट एक्सेस जैसे कार्यक्रम लागू कर रही है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य और मूल और विश्वास के मानकों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। जिन आदर्श नियमों को तकनीक के नाम पर कोडित किया गया है, उन्हें विचारशील डिजाइन सिद्धांतों, कानून शासन और अवसंरचना और सार्वजनिक जुड़ाव के माध्यम से पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3.0 नागरिक केंद्रित हो और विकास की मुख्य धारा में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को तक समावेशी सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराता हो। तो ये कहानी थी आपकी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की। यार आप लोग, एक बात मुझे समझ में नहीं आती आज तक। आप सोचिए, डॉक्टर हर कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा है काम। सोनू सूद जैसे लोग, कई लोग हैं, डॉक्टर देख लीजिए आप लोग, पुलिस वाले देख लीजिए, वो कर्मचारी देख लीजिए, आपसे अच्छी स्थिति में तो वो हैं जो ठेले से सब्जी पहुंचा रहे हैं अपनी, ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था का वही माध्यम है। लेकिन आप सोच रहे हैं, और देख लीजिए आप सफाई कर्मचारियों को देख लीजिए, हर कोई मदद कर रहा है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, हर कोई साथ आ रहा है। तो तुम लोगों में देखिए नफरत फैल रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं अभी सोशल मीडिया पर खोले हुआ था, मैं फेसबुक देखा, मैंने कई जगह देखा, तो लोग यहीं मरते हैं, ऐसा वैसा, मतलब जो मन में आ रहा है बकते जा रहे हैं। उस व्यक्ति को मतलब जितना हीन नजर से हो सकता है, उतनी गिरी हुई नजर से देखा जा रहा है। अभी कम से कम इंसान हो, इंसानियत तो निभाते जाओ। क्या उखाड़ लोगे, कम से कम 5 मिनट यही सोच लेना, क्या उखाड़ लोगे तुम? चलिए पूरे समाज से नफरत करने लगी है, गरीब से नफरत करिए, कोई अगर विकलांग है उससे नफरत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं जिंदगी में उखाड़ पाओगे। तुम जैसे नफरती मैंने 1000 देखे हैं, कोई जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ठीक है? तुम इंसानियत निभाते रहिए, कुछ मिले या ना मिले, इंसानियत रहे बहुत बड़ी बात है इस समय, ठीक है? अपना ख्याल रखिए और परिवार का साथ में ख्याल रखिए, ठीक है?